हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो अच्छे तरीके से वीडियोस देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, पूरा कॉन्सेप्ट और नॉलेज का वीडियोस हमने सब वीडियोस डाल के रखा हुआ है। तो मेहनत करते रहो, एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है यूनिट टेस्ट वगैरह के, तो पढ़ाई करते रहना अपने एंड से, ठीक है? और अपने सभी छोटे भाई बहन जो भी आपके 7th 8th 9th में कोई भी छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी बता देना कि यार उनके लिए भी पूरा सिलेबस ऑलरेडी अप टू डेट कंप्लीटेड है। तो यार आराम से वीडियोज़ देखते रहे और पढ़ाई करते रहे। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो अगेन आज क्या लेकर आया हूँ, अगेन हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम सेट सीरीज़ की हमने शुरुआत की थी। उसमें हमने एल्जेब्रा का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ज्योमेट्री का भी 2 चैप्टर का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? तो लेक्चर वीडियोस सभी चैप्टर्स के कंप्लीट है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम सेट का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें आप देखोगे तो आज का जो अगेन जो लेक्चर है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी प्रॉब्लम सेट 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो और आपको बताना चाहूंगा कि आज लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, यानी कि आज ये चैप्टर प्रॉब्लम सेट 3 का प्रॉब्लम सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे ये रहेगा कि यार जब भी आप प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखते हो, उसके पहले उस चैप्टर का आपने लेक्चर वीडियोस देखा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लेक्चर वीडियोस नहीं देखा है तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर आके प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियोस देखो, तो ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो आज का लेक्चर नंबर 6 है। और आपको बता दूं कि आज हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 3 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होने वाला है, खत्म हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारे ऐप पे जो विश्वास बैच चल रहा है, पेड कोर्स है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से आप एनरोलमेंट ले सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो हम लोग आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि दो लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, तो इसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, कोई एपी है उसका पहला जो पी टर्म होगा, फर्स्ट पी टर्म्स होगा एपी का, वो इक्वल है किससे, सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एपी। मतलब सम ऑफ पी टर्म्स, जैसे नॉर्मल तौर पे हम लोग एन लेते हैं ना, तो वैसे सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, यानी एस पी जो होगा सम ऑफ पी टर्म और एस क्यू यानी सम ऑफ क्यू टर्म, ये दोनों इक्वल है। एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है, ये हमारा पहला कंडीशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, यानी सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये हमारा इक्वल है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि देन शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो, यानी फर्स्ट पी क्यू का टर्म क्या है, एस सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, यानी पी प्लस क्यू यानी पी प्लस क्यू हो जाएगा, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू जीरो है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, सम इज जीरो, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है ये हमारे लिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ये क्या है हमारे लिए, प्रूफ करना है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि सम ऑफ P प्लस क्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है? ये तो हमें प्रूफ करना है, करेक्ट है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन मैं मान लेता हूं सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म हमें निकालना है, तो वी नो द फॉर्मूला Sn का, Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये मेरा फॉर्मूला, ये सब लोग जानते हैं। कभी भी सम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सम ऑफ द nth टर्म का इस्तेमाल जब करते हैं या फिर यूज करना होता है सम, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें सम ऑफ क्या निकालना है, P प्लस क्यू निकालना है, मतलब n के जगह पे जहां जहां n दिख रहा है वहां पे P प्लस क्यू लिखना है, यानी n बाय 2 है तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू बाय 2, ठीक है? फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n क्या है यहां पे, अगेन P प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, ठीक है? समझ में आ गया, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, लेकिन इस बार n हमारे लिए क्या है, P प्लस क्यू है, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज है ये। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं, ठीक है? अब ध्यान देना, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसके आगे मैं कुछ कर सकता हूं क्या, अगर आप थोड़ा सा देखोगे, इसके आगे मेरे को करना नहीं आता है, मान लो इसके आगे मुझे करना नहीं आता, इसको समझ लो, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहीं पे छोड़ दूंगा। इसके आगे मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है। या तो आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पी प्लस क्यू बाय 2 2a प्लस ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है। अब मैं क्या लूंगा, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोग को पता है क्या है इक्वेशन नंबर 1, कि हमारा जो एस पी है इज इक्वल टू एस क्यू है, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म। अब मुझे पता है एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, तो यहां पे भी लगा सकता हूं, बताओ क्या हो जाएगा। तो एस एन एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 मतलब पी बाई 2 एन बाई 2 एन क्या है यहाँ पे पी एन, तो पी बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 एन क्या है पी पी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी, ये हो जाएगा इसका एस पी का, ये लिख दिया बीच में इक्वल, एस क्यू का भी सेम उसी प्रकार लिख दो, तो क्यू बाई 2 हो गया, ठीक है? ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, समझा?
इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे? ये पूरे पूरे को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब एक और चीज आप देखोगे, एक और चीज आप देख पाओगे, इक्वल के इस साइड टू है अपॉन में इस साइड भी टू है, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब वन बाई टू और वन बाई टू गेट्स कैंसिल। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? तो पी मल्टीप्लाई बाय टू है, दैट इज नथिंग बट टू ए पी हो जाएगा। वैसे पी मल्टीप्लाई बाय दिस इज पी स्क्वायर और डी, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट प्लस ये पी मल्टीप्लाई बाय पी और ये डी, तो पी स्क्वायर डी हो गया। करेक्ट, देखो ये टू ए मल्टीप्लाई बाय पी टू ए पी, करेक्ट हुआ। ये इतना इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वैसे, लेकिन ये पी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो पी मल्टीप्लाई बाय पी पी स्क्वायर और डी, तो पी स्क्वायर डी हो गया, बीच में माइनस है। वैसे पी मल्टीप्लाई बाय पी और डी मल्टीप्लाई बाय डी इज पी डी, तो ये हो गया माइनस पी डी। करेक्ट है, समझ में आ गया। वैसे इज इक्वल टू ये क्यू मल्टीप्लाई बाय टू है, तो डेट इज टू ए क्यू हो जाएगा, प्लस ये क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू इज क्यू स्क्वायर और डी, माइनस डी मल्टीप्लाई बाय वन इज डी और डी मल्टीप्लाई बाय क्यू इज क्यू क्यू डी। ठीक है, सबको एक साथ ला दो, सबको एक साथ ला दो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा टू ए पी, वैसे ये माइनस टू ए क्यू साथ में आ गया, ये प्लस पी स्क्वायर डी, वैसे ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डी, वैसे ये माइनस पी डी और ये प्लस क्यू डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सबको एक जैसे दिखने वाले को साथ साथ मिला दो, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन और इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, निकाल दो। देखो इसमें से 2a कॉमन निकल जाएगा, तो 2a कॉमन दैट इज नथिंग बट p माइनस क्यू, 2a कॉमन p माइनस क्यू, वैसे ही इसमें से भी d कॉमन, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा प्लस d कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। करेक्ट, और यहां पे भी d कॉमन निकल जाएगा माइनस में, तो माइनस d कॉमन दैट इज नथिंग बट p माइनस q, ये समझ में आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हमने सब में से कुछ ना कुछ क्या कर दिया है दोस्तों, कॉमन कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब यहां पे देखना है आपको कि ये जो p माइनस क्यू है, ये 2a p माइनस क्यू प्लस d p स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हो, देखो ये 2a मैंने कॉमन निकाल दिया था, ये p माइनस क्यू था प्लस d जो था। अब ये देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, मतलब p प्लस q, p माइनस q, a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं p प्लस q, p माइनस q लिख सकता हूं, वैसे ही माइनस d p माइनस q इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? अब यहां पे अगर आप देखोगे सब में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, पूरे इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो यहां पे p माइनस q है, इसके अंदर भी p माइनस q और इसके अंदर भी p माइनस q है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो दोस्तों, p माइनस q को कॉमन निकाल रहे। तो चलो p माइनस q मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा सभी के लिए p माइनस q कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ये 2a बचेगा, देखो p माइनस q निकले 2a बचा, प्लस ये d और p प्लस q बचेगा, दैट इज d p प्लस q बचा और यहां पे p माइनस p तो माइनस d बचा। ठीक है, और दैट ब्रैकेट में दैट इक्वल टू जीरो। क्या किया हमने, सब में से p माइनस q कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज और कर सकते बताओ, इसमें से भी अगर आप देखोगे तो कॉमन निकलेगा हमारा d, अगर आप देखोगे कॉमन निकलेगा, तो ये p माइनस q उसको एज इट इज रखता हूं मैं, इसके अंदर 2a प्लस, देखो d मल्टीप्लाई बाय dp हो जाएगा, d मल्टीप्लाई बाय dq हो जाएगा और माइनस d हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं d कॉमन निकालू तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, d मल्टीप्लाई बाय dp, एक स्टेप बढ़ाता हूं, देखो d मल्टीप्लाई बाय p इज dp प्लस d मल्टीप्लाई बाय q इज dq, बराबर ना, और ये माइनस डी जो पहले से था वो रहेगा वैसे का वैसे। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब ये तीनों में आप देखोगे तो d कॉमन है, तो मेरा ये p माइनस q इसको एज इट इज रखता हूं मैं, ये 2a वैसे का वैसे ही रखता हूं, इसमें तीनों में से d कॉमन है, मेरा क्या है d कॉमन है दोस्तों, तो क्या बचेगा p प्लस q माइनस 1 बचेगा, d कॉमन निकल गया तो p प्लस q माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, ये जो एक चीज दिख रहा है आपको, ये एक चीज दिख रहा है आपको, ये इसके जैसा दिख रहा है, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d दिख रहा है। मतलब अगर आप इस चीज को नीचे अगर लेके आओ, मतलब ये p माइनस q को अगर जीरो के साइड भेजोगे, मतलब मल्टीप्लाई को डिवाइड के साइड भेजोगे, तो सिर्फ यही बचेगा, जो कि बचेगा देयरफॉर 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 लिखा और ये d इस तरफ लिख दिया, d के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं इधर लिखू एक ही बात है, तो ये पूरा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा वैल्यू यहां पर आप डाल सकते हो, यानी कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2, हम क्या डाल चुके हैं इस इक्वेशन को। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई नो मैं खुद बोलूंगा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग का खेल है। तो ये हमने इस फॉर्म में बना दिया, तो अब ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू जीरो पूरा उठा के यहां पे डाल देंगे, तो हम लोग क्या डालेंगे, ये पूरा उठा के यहां पे डालते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, एक पेज और लेता हूं, एक पेज ले लिया, और यहां पे हमने लिखा क्या लिखा दोस्तों, क्या लिखा कि ये जो पूरा है इज इक्वल टू जीरो उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एस पी प्लस क्यू, यानी कि सम ऑफ p
पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय टू, यही है ना, पूरा लिख दो वापस से, पी प्लस क्यू बाय टू ब्रैकेट में टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, यही हमारा था इक्वेशन नंबर वन, इसमें हमने डाल दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर टू था ये, देखो ये इक्वेशन नंबर टू था, तो ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है, मतलब इस जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, इस जगह पे पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू जीरो, यानी कि समेशन ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय टू, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, तो यानी कि समेशन ऑफ पी प्लस क्यू का जो वैल्यू आ गया वो आ गया जीरो, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, देन शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो, यानी कि हम लोग को ये चीज बताना था कि सम ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, यही चीज हमको बताना था, तो हमने बता दिया, हेंस प्रूव्ड, ये चीज हमने यहां से क्लियरली बता दिया, क्लियर समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, देखो मुझे पता है ये क्वेश्चन टफ था लेकिन थोड़ा सा दिमाग का खेल था, और ये क्वेश्चन में चाहिए प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन एज ए हॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एज ए हॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है, समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना इस चीज को, चलो अगला क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, बाप रे खतरनाक दिख रहा है, तो इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, बाप रे क्या दिमाग खराब किया, मतलब क्या बोल रहा है, m टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब m टाइम्स m मल्टीप्लाई बाय द mth टर्म, मतलब m मल्टीप्लाई बाय nth term, मतलब tm, ये किसके बराबर है, is equal to किसके बराबर है, is equal to n times the n term, मतलब n multiply by tn, समझ में आ रहा है, तो m multiply by mth term is equal to n multiply by nth term, ये हो गया clear, okay, and हमको बताना then show that the m plus n term is of an ap is zero, मतलब हमें बताना है, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ ये करना है कि sum of m plus n, यानी कि show that the m plus nth term, Then show that the m plus n term of AP, मतलब sorry, ये नहीं करना है हम लोगों को, sum नहीं निकालना है हम लोगों को, सिर्फ term निकालना है, मतलब T, term m plus n is equal to zero, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, है तो भैया critical, मैं खुद बोल सकता हूँ, yes, it is a hard question, दिमाग लगाना है यहाँ पे, condition हमें दिया हुआ है, क्या बोल रहा है condition, condition बोल रहा है, given condition क्या है, ये, m tm is equal to n times tn, तो मुझे पता है m मल्टीप्लाई बाय टीएम का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये तो फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है यहां पे, एम है, तो एम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी एन मल्टीप्लाई बाय टीएन, टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, चलो इसको देखेंगे हम लोग, ध्यान देना भी इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, करेक्ट है, ध्यान देना, चलो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m के साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय m इज ma प्लस m मल्टीप्लाई बाय m इज m स्क्वायर और d, तो ये m स्क्वायर d हो गया, m मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज m और d, मतलब md इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय a इज na प्लस n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर nd, मतलब n स्क्वायर d बीच में माइनस n मल्टीप्लाई बाय वन इज n मल्टीप्लाई बाय d इज nd, इतना समझा, अब सबको एक साइड लेके आता हूं, ma और ये माइनस na, ठीक है, ये na को इधर लेके आ गया, फिर यहां पे है प्लस एन स्क्वायर डी, और यहां पे है प्लस एन स्क्वायर डी को इधर लेके आऊंगा तो माइनस एन स्क्वायर डी हो गया, ठीक है, यहां पे है माइनस एम डी, यहां पे माइनस एन डी को इधर लेके आऊंगा तो प्लस एन डी हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू जीरो, मैंने सबको एक साइड ला दिया और इज इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया, अब यहां पर देखो कुछ कॉमन वाला खेल चल रहा है क्या, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, इन दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसके बीच में कॉमन क्या है बताओ, ए कॉमन है, तो ए कॉमन एम माइनस ए सॉरी एम माइनस एन, यहां पे प्लस डी कॉमन है, यहां पे हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे भी कुछ कॉमन है, दैट इज डी कॉमन है एम माइनस एन, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर है यार, यहां तक समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है, चलो हमको निकालना क्या है, शो दैट करना है टी एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब यहां पे इस चीज को मैं यहीं पे रोक देता हूं, या फिर अगर आपको मतलब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है तो आप वापस से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम रुक जाते हैं, अभी मेरे को समझ लो यहां तक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपना दिमाग क्या लगाऊंगा कि यार हमको एक चीज और बोल रहा है प्रूफ करने के लिए टी एम प्लस एन, तो मैं क्या करता हूं इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं, ठीक है, और यहां पर लिखता हूं, वी नो दैट हमको बोल रहा है क्या निकालने, टी एम प्लस एन निकालने हमको बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है टी एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है मेरे लिए यहां पर एम प्लस एन है, तो That is, formula क्या है? Tn is equal to a plus n minus 1 multiply by d. लेकिन इस n के जगह पे m plus 1 लिखना है, तो a plus bracket में m plus n minus 1 multiply by d. ये मेरा formula रहेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये मेरा क्या रहेगा?
फॉर्मूला रहेगा। अब यहां पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो दिख रहा है यहां पे, देखो मैं इसके लिए यहां पे रोक के रखा था, अगर इसको आप चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर वन मत मानो, यहां पे देखो इसके लिए मैंने उसको साइड में लिखा, उसको रेफरेंस मान के चलेंगे तो यहां पे ए कॉमन है, एम माइनस एन है, ठीक है, प्लस डी कॉमन है, लेकिन ये एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैसा दिखता है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया एम प्लस एन एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एम प्लस एन और एम माइनस एन, ये हो गया माइनस डी और यहां पे एम माइनस एन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखोगे तीनों में एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन कॉमन है, तो मैंने लिख दिया यहां पे एम माइनस एन, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया एम माइनस एन कॉमन। अब जब एम माइनस एन मेरा कॉमन निकला है, इसका मतलब यहां पे बचेगा ए प्लस, यहां पे बचेगा डी मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एन, ठीक है, और यहां पे बचेगा माइनस डी एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। समझा ये चीज, ये चीज समझ में आ रहा है। देखो अब यहां पे भी ये d मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा, d मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, ये देखो यहां पे एक और स्टेप देखो यहां पे, तो m माइनस n, ठीक है, ब्रैकेट में ये a प्लस d मल्टीप्लाई बाय इज dm, d मल्टीप्लाई बाय n इज dn और ये माइनस d एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और एक लास्ट स्टेप जो थोड़ा सा मैं उसको ना ऊपर लिखता हूं, बोर्ड को हमारा बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, दिख रहा है, हाँ देखो यहां पे एक और चीज मैं डालना चाहूंगा, इसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा था, एम माइनस एन यहां पे है, ठीक है, ब्रैकेट में ये ए प्लस, यहां पे देखो तीनों में डी कॉमन है, तो डी कॉमन है मतलब ये एम प्लस एन, यहां पे क्या हो जाएगा डी कॉमन, तो क्या बचेगा एम प्लस एन माइनस वन एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और अगर आप देखोगे तो ये ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन, ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन, ये क्या है इज इक्वल टू जीरो है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एम माइनस वन को मैं जीरो के पास भेज दूंगा, मतलब क्या बचेगा, क्या बचेगा, इसको मैं एक स्टेप और नीचे लेके जाता हूं, देखो ये तो हमने रेफरेंस मानने के लिए रखा था ना, इसको मैं थोड़ा और नीचे लेके जाता हूं, मतलब यहां पे क्या बच रहा है, ये m माइनस वन जीरो के पास जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इतना इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर a प्लस m प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब ये पूरा इज इक्वल टू, ये जो है ये पूरा इज इक्वल टू क्या है, जीरो के बराबर है। पहले वाला सम जो इसके पहले सम किया था ऑलमोस्ट वैसे ही सम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। तो हमको पता है यहां पे वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड t m प्लस एन, एम प्लस एन का वैल्यू निकालना है, तो टी एम प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ये हमने क्या माना है, कहीं पे इक्वेशन नंबर वन दिया गया, ये इक्वेशन नंबर वन है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका वैल्यू a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू जीरो है, तो यहां पे जीरो डाल देंगे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि t ब्रैकेट में m प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ये पूरे का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर वन से आया, और यही चीज हमें प्रूफ करना था, लास्ट में लिख दो हेंस प्रूफ, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन बोलता है कि a plus m plus n minus 1 into d जीरो होता है, तो मतलब ये पूरा वैल्यू जो है वो जीरो है, तो इसके जगह पे क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हेंस प्रूफ, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इजी बोलने के लिए इजी है, क्योंकि यार सॉल्व तो हम कर पा रहे, लेकिन ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एज ए हॉट्स क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सिर्फ दिमाग लगता है, ऐसा कोई क्वेश्चंस फ्रेम जल्दी नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर फ्रेम होंगे तो दिमाग का खेल है, अच्छी तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके जाना, अगर इसमें से आ गया बाय चांस या फिर इसके जैसा एग्जाम्पल आ गया तो आप उसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो फिर मैं क्या करता हूं दोस्तों, एंड करता हूं, और इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 3 था, जो हम लोग कितने दिन से कर रहे थे, ये होता है फाइनली आज कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और भी जो चैप्टर्स के बचे हुए प्रॉब्लम सेट है उसको भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर, तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो लेक्चर वीडियो हमने पूरे पूरे चैप्टर के मैथ्स वन मैथ्स टू के साइंस वन साइंस टू के या फिर SST के सभी चैप्टर जो पढ़ा के रखे हुए हैं, आप लोग उस चैप्टर को देखते रहिए, उस वीडियो को देखते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।